हेलो दोस्तों, बढ़ते हुए बिजली के बिल और बिजली की बढ़ती हुई खपत से हम परेशान हो चुके हैं। जिस स्पीड से बिजली का मीटर भागता है उससे दोगुनी स्पीड से हमारा बिल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिजली का उत्पादन इतना नहीं है जितना कि भारत में इसकी खपत है। इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार नई योजना लेकर आई है। यह योजना है सोलर रूफटॉप योजना। इस स्कीम के अंतर्गत आप अपने घरों में सोलर पैनल लगा सकते हैं। यह सोलर पैनल लगाने पर सरकार आपको बम्पर सब्सिडी ऑफर कर रही है। हर महीने अतिरिक्त बिजली का बिल हमारे बजट को ख़राब कर देता है। इसी से आज़ादी दिलाने के लिए सरकार ने इस स्कीम को क्रियान्वित किया है। आप अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हर घर के लिए सोलर रूफटॉप स्कीम शुरू की है, जिससे बिजली की खपत बहुत कम हो जाएगी और आपको बिजली के बिल से काफ़ी हद तक आज़ादी मिल जाएगी। स्कीम के अंतर्गत आप अपने घर में 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने पर सरकार आपको बिजली बिल में 40% तक की सब्सिडी देगी। 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने पर आपको 20% तक की सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार ने बताया है कि यह योजना बिजली खपत को कम करने तथा लोगों को बिजली के बिल से मुक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य यह है कि घरों में व्यवसायी संगठनों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। इससे फायदा यह होगा कि ऊर्जा का एक ऐसा वैकल्पिक स्रोत काम में लाया जाएगा जिससे फ्यूल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि पर निर्भरता कम हो जाएगी और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। सोलर रूफटॉप योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आंकलन करना होगा कि आपको कितने पावर का सोलर पैनल जरूरी है। इसके बाद ही आप अपने घर पर सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। रूफटॉप सिस्टम द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त सौर ऊर्जा को वापस ग्रिड में फीड करने और उपभोक्ता के खाते में पैसे जमा करने की सुविधा भी इस योजना में मिलती है, जिसकी वजह से उपभोक्ता के बिजली बिल में अकल्पनीय कमी आ सकती है। इससे सरकार यह अंदाज़ा लगा रही है कि रोजगार पैदा होने तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम होने और जलवायु परिवर्तन जैसे दुष्प्रभाव कम होने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी अंदेशा जताया है कि 2023 में इस योजना में और भी प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी शामिल हो सकती है। आवेदन करने के लिए आवेदक को ऑफिशियल वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद अपना राज्य चुनना होगा, उसके पश्चात ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और अपनी सारी जरूरी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। मांगे गए दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके पश्चात आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह आप सोलर रूफटॉप योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफ़ी आसान रखी है ताकि आवेदक को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए निवेदन है कि आवेदक सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई कमी लग रही हो तो कॉमेंट करके हमें बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।